क्या सर? आराम से आराम से. थोड़ा सा इसको थोड़ा सा भैया हेलो थोड़ा सा आप तैयार करिए बस इधर लाइए. हाँ फोटो डलवा दीजिए. हाँ नगरी थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि जो है ग्राम फुलहू के आसपास जो है बाइक से डोडा ले जाया जा रहा है. उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की. घेराबंदी के बाद जो है वो आदमी बाइक पे बोरे में डोडा लेके जा रहा था. पुलिस को उनको भागने लगा. पुलिस ने दौड़ के जब पकड़ा तो एक व्यक्ति सुलेमान मुंडू गिरफ्तार हुआ है और कुल 80 केजी से ज़्यादा डोडा और 2 बाइक जिस बाइक से वो लोग भाग रहे थे वो बरामद हुआ है. एक व्यक्ति जो भागा गया है वो इसका किंग पिन है जिसका नाम आ चुका है और हम लोग सब एड्रेस जो है मतलब 1-2 दिन के अंदर सत्यापित कर लेंगे. ये मुख्यतः आप देख रहे होंगे कि जो डोडा है ये कई बार पकड़ा गया है और वह खूंटी से राजस्थान या पंजाब के बीच का एक चैन है. इस चैन को कई पार्ट में बांट दिया जाता है सो दैट की पुलिस को यह है चैन के जो फर्स्ट और लास्ट लिंक है उससे पहुँचने में दिक्कत हो. तो हमारा जो फर्स्ट लिंक है वो आइडेंटिफाइड है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके निकालेंगे कि अल्टीमेटली इसका लास्ट लिंक मतलब अल्टीमेट रिसीवर और अल्टीमेट स्मगलर कौन था. और हम लोग विश्वास है कि जल्दी ही हम लोग इस बात का खुलासा कर लेंगे. कितने लोग भागने में? एक आदमी भागने में सफल हुआ. उसका नाम आइडेंटिफाई हो गया है. वो भी खूंटी का रहने वाला है. बाकी हम लोग उसका एड्रेस वेरीफाई कर रहे हैं. होपफुली 1-2 दिन में वो वेरीफाई हो जाएगा. कुछ स्टॉक पॉइंट भी पता कुछ और बिंदु है जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा करेंगे.